नमस्कार, मैं हूँ यश। आप देख रहे दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबर पर। गुजरात के साबरकांठा के हिम्मतनगर के एक निजी अस्पताल में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। दो नाक वाले बच्चे के जन्म ने पूरे शहर में बहस छेड़ दी। बच्चे की स्थिति को बनाए रखने के लिए एक फिलहाल उसे इलाज के लिए दूसरे टीवी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया और लोगों की भीड़ भी उमटी। साबरकांठा के हिम्मतनगर के एक निजी अस्पताल में दो नाक वाले बच्चे का जन्म होते ही डॉक्टर सहित परिवार के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ। बच्चे को दूसरे अस्पताल में स्थानीय डॉक्टर द्वारा तुरंत सामान्य कर दिया जाता है। हालांकि प्रत्येक 8000 से 15000 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसके शरीर सहित विशेष अंग विकसित होते हैं। इसे बनाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इस स्तर पर बच्चे की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है तो उसे अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। जब एक से अधिक नाक वाले बच्चे पैदा होने वाले में अनुवांशिक बीमारी के कारण अंग पैदा होते हैं, आमतौर पर ऐसे बच्चों को विभिन्न ऑपरेशनों के जरिए सामान्य बनाने की कोशिश की जाती है। साथ ही इस मामले में परिवार की पूरी सहमति भी जरूरी होती है। फिलहाल तो कुदरत के करिश्मे वाले बच्चे को देखने के लिए बड़ी मात्रा में लोगों का अस्पताल में जुलूस उमड़ पड़ा है। एक सारी खोर का बाड़क दाखल करेलू छे अत्यारे भी। हवे बाड़क ने सारी खोड़खापन छे जेमां के ने अत्यारे हाल जे नेजल डिफॉर्मिटी एटले के नाकनो जे पड़दो होय ए बेसेलो छे। बीजू छे के एने बीजे अध खोड़खापन में कहीए तो हजे एने ते श्वास लेवा तकलीफ छे। हवे एना अत्यारे बाड़क अंडर ट्रीटमेंट में छे। प्रारंभिक धोरणे बाड़क ने पियर रॉबिन सिंड्रोम जेवा लक्षणों लागे छे। आ एक जीनेटिक डिसऑर्डर छे, जेम के गुजराती भाषामां कहीए आपणे तो आनुवंशिक बीमारी कहेवाय। तो हवे एना ट्रीटमेंट જ્યારે બાળક જન્મે ત્યારે ઘણી ખોડ ખાપણો હોય, અત્યારે હાલ એને નેઝલ ડિફોર્મિટી છે, અમુક હૃદયની તકલીફ છે, એને હૃદયમાં બી એને હૃદયની બી ખોડ ખાપણ છે। આવા બાળકો 8500 થી 14000 એક બાળક આવું જન્મતું હોય છે। હા, એ તકલીફ થઈ શકે, પણ એ બાળક જેમ એનું મોટું થતું જાય, જ્યારે એનો વિકાસ થતો ત્યારે જ આપણે એને જે જે ટાઈમે આપણે કહી શકીએ। પણ તકલીફ થઈ શકે, અમુક જે એવી તકલીફો હોય કે જેનું નિદાન અને સારવાર થઈ શકે એનું આપણે ચોક્કસ વ્યવહાર કરી શકીએ। પણ અમુક જે એનાટોમિકલ કે જેની શારીરિક રચનામાં જો એની કોઈ તકલીફ હોય એમાં પછી આપણે શીખાઈને જ આગળ ચાલવું પડે। તો ખબરો મેં બસ ઇતના દેખતી રહી દિવ્ય ભારત ન્યૂઝ। નમસ્કાર।